से पहले हाजियों को दी गई ट्रेनिंग। अल अजीज वेलफेयर सोसाइटी ने किया आयोजन, एक एक नियम को बारीकी से बताया। इस बार नहीं लग पाया किसी को टीका। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी में हज पर जाने से पहले सभी हाजियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम ऐसे लोग शामिल हुए जिन्हें इस साल मक्का मदीना जाने की खुशी मिली है। इन लोगों को औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में बुलाया गया, जहां अल अजीज वेलफेयर सोसाइटी ने इन सभी खुशकिस्मत लोगों को ट्रेनिंग दी। बताया जा रहा है कि यहां सभी उलेमाओं ने हज पर जाने, हज के अरकान सहित ये तक बताया कि आखिर हज में क्या करना है और क्या नहीं करना। बताया जा रहा है कि इस बार स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल इन लोगों को टीका नहीं लगवाया है, लेकिन जल्द ही इन सभी हाजियों को टीका लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने खुद हज ट्रेनर से बातचीत की कि आखिर इस ट्रेनिंग का आयोजन क्यों किया गया था। पेश है अमेठी से आई खास रिपोर्ट। आज हम मौजूद है अमेठी जिला के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में, जहां हाजियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। हम बात करेंगे आखिर क्या खास बात, क्या नाम है आपका? खुर्शीद अजीज, हज ट्रेनर अमेठी। ये बताइए, आज हज शिविर का जो है आयोजन किया गया, आखिर हाजियों के लिए क्या व्यवस्था है और क्या ट्रेनिंग देंगे आप? आज हम जिले के करीब 150 लोग हज पे जाने के लिए हमारे यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। हम जिले के मौजूदा मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना जुबेर साहब और कई मौलाए कराम आकर के हज पे जाने की पूरी तैयारी विस्तार रूप से हम लोग हाजियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला से अपने कितने हाजी जा रहे हैं? हमारे जिले से लगभग 225 हाजी इस बार हज पे जाने के लिए सिलेक्शन किया गया है। आज प्रशिक्षण में कितने जो है हाजी अपने यहाँ आए? हमारे यहाँ हज प्रशिक्षण में 140 हाजी हज ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। अभी जो बच गए हैं क्या इनका सिलेक्शन लग रहा है क्या? और जो हाजी बच गए हैं, इसलिए अमेठी जिले का भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है, तो उसके दो, एक सेंटर गांधीनगर और दूसरा सेंटर निहालगढ़ जब भी ट्रेनिंग जहाँ होती वहाँ टीकाकरण कराया जाता है। हमने 10 तारीख को सीएमओ साहब को चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया, हमारे सचिव मोहम्मद ताहिर फारूकी जाकर खुद मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे प्रशिक्षण शिविर में टीकाकरण कराया जाए। सीएमओ साहब ने उस पर हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं किया। जैसा कि अभी 140 आप बता रहे हैं, 140 जो है हज ट्रेनिंग में लोग आ चुके हैं, इन लोगों का टीकाकरण के लिए क्या इंतजाम किया जाए, कैसे होगा इसका? ईमानदारी की बात यही, इन हाजियों को टीकाकरण आज ही इसी कैंपस में होना चाहिए था, मगर अफसोस चिंता की बात है, हमारे जिले की सांसद स्मृति ईरानी व हज मंत्री भी स्मृति ईरानी जी हैं और उनके जिले में पहला हज ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, जिला प्रशासन मौन साधे हुए है, इस पर हमें चिंता है। अब जो हाजियों को आज टीका नहीं लगेगा उसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टीका नहीं लग पाएगा तो हज पे जाने के समय हज हाउस में भी टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। जिन हाजियों को आज टीका नहीं लग पाएगा वो हाजी वहां पर भी टीका लगवा सकते हैं। जैसा खुर्शीद से कहना है कि टीकाकरण भी बाद में भी लग सकता है या फिर अस्पतालों में भी लगने की व्यवस्था की जाएगी। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।